तो अभी सबने खाना पीना कर लिया है। गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है और पूजा का टाइम हो चुका है, पूजा कर रहे हैं। इधर से गौतम उठ गया है, वो तो रो रहा है, अभी उसको भी लेना होगा। और यहाँ लड्डू गोपाल के ड्रेस से ये धोने वाले हैं, अभी धोएंगे इनको। पहले पूजा होगी, फिर ड्रेसों को धो के सुखाना है। और अभी गौतम तो उठ गए हैं, वो देखो गौतम, गौतम बाबू उठ गया। राधे राधे, राधे राधे गौतम। ये लक्षिता तो यहाँ पे खेल रही है अपनी दादी जी के साथ में। हाय लक्षिता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो, हम गर्मियों में राबड़ी बनाते हैं। मैंने दादाजी को, पिताजी को, सबको राबड़ी पहुंचा दी है। अब गौतम और उसके उनके पापा को राबड़ी देनी है। इसमें राबड़ी है, इसमें प्याज और भुंडा हुआ जीरा डाला है और काला नमक है। गर्मी में राबड़ी अच्छी लगती है, इसलिए हम सब राबड़ी पीते हैं सुबह सुबह। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद राबड़ी पीते हैं, फिर चाय या दूध पीते हैं। राबड़ी है गौतम, ठीक है अभी गौतम राबड़ी पियो। इसमें प्याज भी है, बूंदा हुआ जीरा है, काला नमक है। गौतम आराम से पी रहा है, इसको राबड़ी पसंद है बस। ये चाय तो पीता नहीं है, ना दूध पीता है। अभी 9 बजने वाले हैं और लक्ष्य के पापा ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मैं तो रोटियां बनाने जा रही हूँ। भूख लगी है, जल्दी लेकर आओ। अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तवा चकला बेलन सब सामान तैयार है और हम तो भाई देसी बंदे हैं, हम तो चूल्हे की रोटी खाते हैं, गैस वगैरह की मैं पसंद नहीं है। और अभी 9:30 बजे के लगभग सभी को रोटी दिला दूंगी और सभी अपना सभी भोजन कर लेंगे। और गौतम को भोजन करा रही है। लक्ष्मी खाना खा रही है, साथ में आपका सलाद है, कार्टून वाला सलाद भी है इसके साथ में। और दोनों बहन भाई दादी जी खाना खिलाते हैं इनको। और अभी मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। सबने खाना पीना कर लिया है और भाई को दीपा के एकदम ने अंदर बांध दिया उनको। और अब गौतम के 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। ये 1.5 साल को हो गया है, आज इसके पैर में दर्द होगा बेचारे के, इंजेक्शन लगेगा। मामा ए बाबू, और लक्षिता वहाँ पे नहा रही है, तुम भी जाएगी, चलो फिर आ जाओ। लक्षिता भी हॉस्पिटल जाने के लिए जिद कर रही है, तो अब इसके पापा इसको तैयार कर रहे हैं। ये कहती है मैं भी साथ में जाऊंगी। लक्षिता साथ चलेगी हमारे, कहाँ जाना है आपको? आप इंजेक्शन लगवाएंगे क्या? तो लगवाएंगे फिर। तो जा क्यों रही है फिर, किस लिए जा रही तू? गौतम ने खिलाने जा रही हूँ। उसके इंजेक्शन लगेगा, वो रोएगा, तुम भी रोएगी साथ में? नहीं। इसके बाद इसको तैयार कर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं। तैयार हो रही है भाई, उसके तेल मालिश हो रही है सिरों में। कटिंग करवा दें क्या? लगता है कटिंग ना। क्यों, क्या बात, लगता तेरी कटिंग करवा दे तेरे को? बालों में कंघी नहीं करनी है क्या? अरे टाल तो निकालो पहले, ऐसे थोड़ी बात बालों में कंघी करते हैं। रुक तो जा, अरे रुक लगता, मेरे का नहीं देखे पर ना देख। लक्षिता अपने आप लगा रही है गाजर। इसमें तो दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इस मुट्ठी में इसको खोलना है, उसको खोलूंगा मैं तो। नहीं है, नहीं है इसमें, इसमें है क्या? अरे अब इस बार तो मेरे को भुला दिया आपने। इसमें
नहीं है इसमें, इसमें वो दिख रहा मेरे को। आज गौतम के वो 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगा था तो इसके पैर में दर्द हो रहा है, ये पैर नीचे ही नहीं रख रहा। ये गौतम की बड़ी दीदी है, ये चीखे मारती रहती है और गौतम तो हंसता रहता है। ये अच्छा बंदा है, मस्त बंदा है। और ये है मम्मी, मम्मी ये अपने पापा के लाड लिया है और गौतम मेरा लाड ला है। आज इसके पैर हिल भी नहीं रहा है, इसके पैर में दर्द है, इसके 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगा है तो पैर दर्द कर रहा है बेचारे का। ना तो चल रहा है, अब आराम से बैठा है, चलते ही रोने लग जाता है। दादाजी को आवाज लगाना, गौतम दादाजी आवाज लगा। दीदी कैसे करती है, दीदी तेरे को कैसे डराती है? इसको गाने भी आते हैं। गीत गाए क्या? हाँ गीत गा, गीत गा रहे गोपाल गोपाल का याद आ गया। शरारत कर रही थी तो इसके पापा जी ने इसको उल्टा लटका दिया। देखो लक्ष्य, अब शरारत करेगी? शरारत करने का ये अंजाम। इनको बुखार आ गया, इसके 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगा था तो आज इसने रोटी वगैरह कुछ नहीं खाया, रोटी खीर कुछ नहीं खाया, सिर्फ अंगूर खा के टाइम पास कर रहा है बेचारा। इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है और अभी रात के 9:15 हो गए शायद, लेकिन गौतम ने तो दवाई दे रही थी इसलिए इसको नींद आ गई। इसने 2-3 घंटे नींद ले ली पहले, अब तो ये सोएगा नहीं। तो गाइस टाइम हो चुका है, रात के 10 बज गए हैं। मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है और अब अपलोड के लिए लगा दूंगा, सुबह 6 बजे आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो मेरा काम सिर्फ एडिट करना रह गया है, बाकी ब्लॉग वो जाने, उसका काम जाने, वही बनाएगी अब से, उसको अथॉरिटी दे दी है मैंने। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।